नमस्कार, पंजाब केसरी टीम में आपका स्वागत है। और कल 8 अक्टूबर यानी मतगणना का दिन, और जिसका बेसब्री से पूरे हरियाणा को इंतजार है, क्योंकि कल प्रदेश में नई सरकार चुनी जानी है और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इस समय हम रोहतक जाट शिक्षण संस्थाओं में खड़े हैं, जहां पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। और मतगणना केंद्र गढ़ी सांपला किलोई का जाट कॉलेज के अंदर मतगणना केंद्र बना हुआ है, और महारानी किशोरी कॉलेज के अंदर महम विधानसभा का मतगणना केंद्र, और सीआर बीएड कॉलेज के अंदर कलानौर विधानसभा का, और सीआर सीनियर सेकेंडरी के अंदर रोहतक विधानसभा का मतगणना केंद्र है। तो फिलहाल मैं आपको हालात दिखा देता हूं। ये महम विधानसभा का मतगणना केंद्र है, और यहां पर बिल्कुल बाकायदा जो है 3 लेयर की सुरक्षा के अंदर स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की गई है। शुरुआत में हरियाणा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, और हरियाणा पुलिस के जवान अपनी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा करने के लिए तैनात हैं और मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जहां जिस रूम के अंदर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले किया गया है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी दो जो हैं वो दो लेयर बनाई गई हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। और इधर भी देखें, हरियाणा पुलिस के जवान बिल्कुल मुस्तैदी से अपना काम करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोहतक जिले में 4 विधानसभा हैं, उसमें 8,34,000 के करीब मतदाता हैं, और 8,34,000 मतदाताओं में से 5,55,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, और मत का प्रयोग करने के बाद ईवीएम मशीनों में 56 प्रत्याशियों का भविष्य कैद कर दिया है। और वो 56 प्रत्याशी जिनकी धड़कनें कल ईवीएम मशीनों के बीप की आवाज़ के साथ बढ़ेंगी घटेंगी, वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईवीएम मशीनों का सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी ईवीएम मशीनों पर नज़र रखी जा रही है, और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज यहाँ पर आपको दिखाई देगी जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे ये काउंटिंग सेंटर है, ये काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं, और इधर आप देखें कि अधिकारी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ईवीएम मशीनें अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर रखी गई हैं, उन पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। तो ये पूरा आपको महम विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर काउंटिंग होनी है, मैं वहां का नज़ारा दिखा रहा हूं। तो कल जिस तरीके से 8 तारीख को मतगणना होनी है, और उस मतगणना का इंतज़ार पूरा हरियाणा प्रदेश कर रहा है, और रोहतक पर सबकी नज़र है, क्योंकि गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से 90 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो खास नज़र पूरे प्रदेश की वहां भी रहेगी। लेकिन इंतज़ार यही रहेगा कि कल मतदाताओं ने किस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के लिए चुनी है वो पता चल जाएगा, और जिन ईवीएम मशीनों से वो सरकार चुनी जानी है उनकी सुरक्षा व्यवस्था हमने आपको दिखाई, और इन्हीं ईवीएम मशीनों से रोहतक जिले की 4 विधानसभा के 56 प्रत्याशियों का भविष्य कल निकल कर सामने आएगा। कौन इस मतदान केंद्र से खुश होकर निकलता है और कौन मायूस, ये कल पता चल जाएगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।